आप सभी का अभिनंदन है, बहुत धन्यवाद जो आप यहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। आपकी अनुमति से यह प्रेस वार्ता आरंभ करते हैं। द क्लाउन प्रिंस हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस येट अगेन। क्लाउन प्रिंस, द क्लाउन प्रिंस हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस येट अगेन। झूठ के सहारे पे क्लाउन प्रिंस ने आज पुनः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। यह उनकी आदत बन चुकी है। देश की जनता जान चुकी है कि झूठ पर, फरेब पर कंफ्यूजन क्रिएट करके जिस प्रकार का अपना राजनीतिक इमारत बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, यह संभव नहीं है। आपको याद होगा कि चंद दिनों पहले एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ साहब ने रफाल डील के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो शब्द थे, इट इज अ गेम चेंजर। रफाल विल बी अ गेम चेंजर। वो गेम चेंजर है। देश की सुरक्षा को एक नए दिशा में लेने के लिए उसका एक बहुत महत्वपूर्ण औहदा है। यह खुद एयरफोर्स के चीफ कह रहे हैं। एयरफोर्स के चीफ जो कहते हैं, राहुल गांधी ठीक उसके विपरीत कहते हैं। द क्वेश्चन इज हु इज टू बी बिलीव्ड, द एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया और राहुल गांधी। बंधुओं, और तो और, देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने कांग्रेस के कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, कुछ लोग गए थे पीआईएल लेकर। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बंधुओं, पीआईएल मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर। उसका हश्र क्या हुआ, उसका नतीजा कल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर क्या रहा, वह भी आपने देखा था। खुद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा कि इन पीआईएलों का हम संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पीआईएल के मुख्य उद्देश्य क्या थे, जो मुख्य मांग पीआईएल की थी वो दो टूक थी। पहला मांग था कि प्राइसिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्राइसिंग को लेकर सवाल पूछे। और दूसरी मांग जो पीआईएल में रखी गई थी वो यह था कि द डील शुड बी स्क्रैप्ड। दोनों विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा, ना तो हमें प्राइसिंग चाहिए और ना ही टेक्निकलिटी पर किसी प्रकार का उत्तर चाहिए। यही एक बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठाती है। आपके पास इतना कुछ कागज है, द क्लाउन प्रिंस क्लेम्स ऑफ हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ डिटेल्स अबाउट द रफाल, व्हाई डजंट द क्राउन प्रिंस एंड हिज टीम गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सुबह सीवीसी जाते हैं, शाम को सीएजी के पास चले जाते हैं, दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं ये सारे कागजात पकड़कर। आपका एक व्यक्ति गया था कोर्ट, एक व्यक्ति ने आपका पीआईएल करने की कोशिश भी की थी, वो भी विड्रॉ हो गया, आपने उसे विड्रॉ करवा दिया। क्यों विड्रॉ करवा दिया, आपके पास तो सारे सबूत थे। क्या आपको विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे? बंधुओं, एयर चीफ मार्शल सही है या राहुल गांधी सही है, सुप्रीम कोर्ट सही है या राहुल गांधी सही है? कोई सही नहीं, केवल राहुल गांधी सही। राहुल गांधी जी ने झूठ पर झूठ का प्रयोग किया। आज राहुल गांधी ने पुनः कहा कि फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट ने, और मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है कि झूठ का प्रयोग कैसे किया जाता है, राहुल गांधी ने कहा फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट होलान साहब ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस हाई पोडियम से चैलेंज करती है, मिस्टर राहुल गांधी, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दिस कंट्री, वी चैलेंज यू टू प्रोड्यूस एनी सच स्टेटमेंट वेयर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैज क्लेम्ड दस। कहां पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है? आप वो कागज की टुकड़ी, आप वो जवान उनके दिखा दीजिए, कोई ऐसी बाइट हो आप दिखा दीजिए। यू कैन नॉट प्ले मॉकरी विथ इंडियन पॉलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। आप यहां मौकरी कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के साथ, कहां कहा है होलान साहब ने? आप सबने मीडिया में दिखाया, हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। होलान साहब ने कहा कि जहां तक दसों का विषय है, जहां तक रफाल का विषय है, दसों जानती है, आई एम नॉट अवेयर, दसों नोज इट। जो ओईएम है, OEM का माने है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। वैसे OEM का मायने भी अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए तो वो पूछेंगे बगल वाले से, OEM का मतलब क्या है।
केवल राजनीति करनी है, किसी विषय पर तथ्यात्मक रूप से जानकारी उनके पास नहीं है। द ओईएम नोज इट, आई एम नॉट अवेयर, दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर होलांद विच एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट एंड इट वॉज इन द मीडिया। दूसरा झूठ, राहुल गांधी जी आज पुनः झूठ पकड़े जाने के बाद भी दोबारा झूठ कहने की हिम्मत अगर इस देश में किसी की है तो वो राहुल गांधी जी की है। आज राहुल गांधी जी कह रहे थे कि सीक्रेसी क्लॉज में फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे पीएम के ऊपर उंगली उठाया, मैक्रोन। आपको याद होगा सदन के पटल पे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होने वाली थी उसी समय राहुल गांधी सदन के पटल पे कहते हैं कि मेरे कान में आके फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कोई सीक्रेसी क्लॉज नहीं है, आप बिल्कुल सब कुछ सरेआम कर दीजिए, बता दीजिए। तुरंत उसके चंद घंटों के पश्चात फ्रांस की सरकार ने एक चिट्ठी जारी की थी और कहा था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी इज लाइंग। वो सब होने के बाद भी द क्लाउन प्रिंस स्टिल हैज द ऑडेसिटी ऑफ होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड लाई थ्रू हिज टीथ। मतलब पुनः झूठ बोलना एक बार झूठ पकड़े जाने के बाद, यह राहुल गांधी जी की निर्लज्जता है। मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा, राहुल गांधी जी की तरह बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मगर मैं कहूंगा यह निर्लज्जता है। दिस इज शेमलेसनेस दैट वंस बीइंग एक्सपोज्ड दैट यू आर लाइंग यू येट अगेन लाई। राहुल जी आपने ये चार पांच मिनट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रटा रटा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते रहते हैं। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपके परिवार के ऊपर सवाल पूछा था रफाइल को लेकर, ये संजय भंडारी कौन है, संजय भंडारे का आपके घर के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ क्या रिश्ता है, रॉबर्ट वाड्रा जी को 19 करोड़ का मकान लंदन में क्यों दिलवाया, 35,000 पाउंड का रिफर्बिशिंग अर्थात फर्निशिंग उसमें क्यों कराया, इस सब का पूरा कच्चा चिट्ठा हमने यहां आपको सीडी के माध्यम से भी दिखाया था, उसका एक भी जवाब नहीं आया, एक भी जवाब नहीं आया। और यहां ये चार पांच मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज झूठ के आधार पर करते हैं। पूरा गांधी परिवार भ्रष्ट है, दो लोग बेल पे बाहर है, मां बेटे, और एक के चोरी के विषय में जितना कहा जाए रॉबर्ट वाड्रा उतना कम है। पूरा परिवार भ्रष्ट परिवार है और दूसरों की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी आपने आज कहा कि पीएम अंबानी के पीएम है। राहुल जी हमने एक बार आपसे सवाल पूछा था, जिन 15 लोगों के बारे में, 15 उद्योगपतियों के बारे में आप कहते हैं, एक भी उद्योगपति उनमें से दिखा दीजिए, सीना ठोक के पूछते हैं, एक भी उद्योगपति अगर हमारे समय में अमीर बना हो तो बता दीजिए। इनमें से सारे लोग अमीर आपके सामने बने हैं, आपके परिवार के होते हुए बने हैं। और तो और, आपने अंबानी के पीएम कहा, क्या आपके पिताश्री रेस्पेक्टेड श्री राजीव गांधी क्वात्रोची के पीएम थे? क्वात्रोची आए थे इटली से सोनिया जी के साथ, विवाह के पश्चात क्वात्रोची का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका भारतवर्ष में रहा है, किस प्रकार 3 लाख यूएस डॉलर्स वो जो उनका अकाउंट में पैसा था, 3 मिलियन यूएस डॉलर्स का क्वात्रोची का, उसको कैसे डिफ्रीज कराया गया बोफोर्स के समय, ये आप और मैं जानते हैं। सोनिया गांधी जी ने एक डिप्लोमेट भेजा इंडिया से कि आप जाके अकाउंट डिफ्रीज कराइए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी कीमत पर क्वात्रोची का बैंक अकाउंट डिफ्रीज नहीं होना चाहिए। क्या वॉज राजीव गांधी द प्राइम मिनिस्टर एंड सर्वर टू क्वात्रोची? What kind of words do you use, Mr. Rahul Gandhi? There was recently a news report, which most of you carried, that Rajiv Gandhi had acted as a middleman in the Swedish Saab Scania, which was selling Viggen fighter aircrafts to India in 1970. Wo to official middleman the. Official middleman ka Hindi mein istemal nahi karna chahta hu. Main us tar par nahi aana chahta hu jis tar par Rahul Gandhi gir chuke hain. आपके पिताश्री तो ऑफिशियल मिडिलमैन थे उसमें। यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ मिडिलमैन, यू कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर मिडिलमैनशिप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू हैव अर्नड मनी आउट ऑफ एवरी डील इन डिफेंस दैट टुक प्लेस इन इंडिया प्रायर टू 2014। यू हैव जियोपडाइज द डिफेंस ऑफ दिस कंट्री, आप खिलवाड़ करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ,
स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कहां 44 से डिक्रीज होके 31 पे आ गया था, हाथ पे हाथ धर के 10 वर्षों तक बैठे हुए थे, क्योंकि आपके घर के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा था। और आज आप प्रश्न उठा रहे हैं, इंटरनल पेपर्स है दसों के हमारे पास, आपके पास होंगे इंटरनल पेपर, वो किस मीडिया हाउस में छपे हमें पता है, हमारे पास तो एक्सटर्नल और रियल पेपर है। जो पेपर आप सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, डसो का वो पेपर हमारे पास है। क्या कहती है डसो? डसो कहती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सितंबर 2016 इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, डसो एविएशन हैज सोल्ड 36 रफाल एयरक्राफ्ट टू इंडिया इन कॉम्प्लायंस विद द इंडियन रेगुलेशंस डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर एंड एज फ्रीक्वेंट विद सच अ कॉन्ट्रैक्ट डसो एविएशन हैज कमिटेड टू ऑफसेट्स इन इंडिया वर्थ 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ परचेज। मोटा मोटा इसका अर्थ अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो डसो कहती है कि हां हमने ऑफसेट दिया इंडिया में, वो मैंडेटरी है, 50% का ऑफसेट देना मैंडेटरी है। 2005 में यूपीए की सरकार ने जो कानून बनाया था जिसके अंतर्गत ऑफसेट देना मैंडेटरी है, आप वहां से ऑफसेट हटा देते हैं और रिलायंस ले आते हैं। ये किस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप, फ्रेंच गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से बड़े आप, एयर चीफ मार्शल से बड़े आप, ओईएम का फुल फॉर्म पूछो तो ओईएम का फुल फॉर्म मालूम नहीं होगा। देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़, इनाफ इज इनाफ। द पीपल ऑफ दिस कंट्री डू नॉट वॉन्ट अ क्लाउन प्रिंस टू प्ले विद दिस नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, पब्लिक डोमेन में दिया गया है। आपके डील से हमारा डील 9% कोर में और वेपनाइज सिस्टम में 20% कम था। हर चीज का उत्तर दिया गया है, उसके बावजूद आप इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। आपका परिवार मिडलमैन का परिवार है, मैं मिडलमैन का हिंदी इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप लोग अनुवादित कर सकते हैं। आपने जीवन भर मिडलमैनशिप देखा है अपने परिवार के अंदर, इसलिए शायद आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बट We stand firmly with truth and we stand with the national security of this country. We stand with the Supreme Court which has said that on the price of Rafale we will not be inquiring. We stand with the Air Chief Marshal when he categorically states that Rafale is a game changer. And we do not stand with the falsities propagated by the clown prince, Mr. Rahul Gandhi. Thank you so much. And just a second, sir. Just before the thank you, आप इतना रिलायंस रिलायंस कर रहे हैं तो ये रविशंकर प्रसाद जी ने भी दिखाया था, आदरणीय रविशंकर जी ने, मैं दोबारा दिखाता हूं। दसो एविएशन इंडिया एंटर्स इनटू अ पैक्ट विथ रिलायंस एंड डिफेंस, ये फरवरी 12, 2012 का है, रॉयटर्स का है, दसो का और रिलायंस का पैक्ट हुआ। फ्रेंच डिफेंस मेजर डसो आरआईएल इंक एमओयू फॉर कोलैबोरेशन इन डिफेंस सेक्टर, फरवरी 12, 2012, आप देखिए जरा इसको। रिलायंस डसो प्लानिंग फैसिलिटी टू प्रोड्यूस वॉरप्लेन, December 10, 2013, ये भी न्यूज रिपोर्ट आपके पास है। तो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन ऑल दीज रिपोर्ट्स वर अपीयरिंग, व्हेन यू हैड एन एमओयू विथ व्हेन ड्यूरिंग योर टेन्योर एमओयूज वर साइंड विथ रिलायंस, वे यू एक्टिंग जस्ट एज अ गवर्नमेंट ऑफ वन फैमिली और वन इंडस्ट्रियलिस्ट? मिस्टर राहुल गांधी, आप झूठ कितना भी बोल ले, याद रखिए झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए झूठ चल नहीं सकता। धन्यवाद देवेंद्र जी। देखिए पहली बात है, जहां तक मिडिलमैन का हिंदी है, देखिए आप लोग ट्रांसलेट खुद करिए, मुझे लगता है कुछ चीजें अंग्रेजी में ही ठीक लगती है, उसे रहने दिया जाए।
ना हाँ नहीं नहीं कुछ चीजें ठीक है आप लोग ट्रांसलेट करिए, स्वाभाविक है अंग्रेजी न्यूज़पेपर उसे अंग्रेजी में लिखेंगी, ये हिंदी वाले कल लिखेंगे, कल हेडलाइन में आ जाएगा। जहां तक दूसरों का सवाल है कि उसमें उत्तर दिया जाए, मुझे लगता है जिन लोगों को लगता है कि उत्तर नहीं दिया जा रहा है वो कृपया करके रोज अखबारों में आदरणीय डिफेंस मंत्रालय की ओर से डिफेंस मंत्री की खुद की इंटरव्यू छप रही है, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है तमाम चैनलों में, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, ये देश जनता का है, जो प्रश्न जनता पूछेगी किसी भी प्रश्न से यह सरकार नहीं भागती है, एक अठन्नी चवन्नी का घपला यह सरकार नहीं करती है, इसलिए हम किसी से नहीं डरते हैं। देश के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करेगा, कान खोल के सुने, उसे एक्सपोज किया जाएगा, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सर सर रवि जी उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद एक वक्तव्य जारी किया है, पूर्व निर्धारित सब कुछ राहुल गांधी जी से पूछ के, कौन कहां, राहुल गांधी इटली चले जाते हैं प्राइवेट जेट में, छुट्टी मनाते हैं, न जाने कहां कहां जाते हैं, वो पूछ के जाते हैं। जब मंत्रालय मंत्री, ये सरकार है इंडिया की, अगर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किसी देश में कोई भी मंत्री जा रहा है तो क्या नहीं जाए? देखिए, वी हैव टू कीप असाइड द पेटी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स for the larger benefit of the country. Sir, ek second. I have begun this press conference by using a term deliberately, which Mr. Jaitley had used for Mr. Rahul Gandhi, that is clown prince. The clown prince can demand a number of things. Wo resignation de de, ye kar de. Are we supposed to answer all that? Of course not. I have told, he hardly understands what is central to all these issues. Main, aap log desh ki vidwan log hain. Next press conference mein, aap log OEM ka full form zara Rahul Gandhi se puchhiyega to. Rafale deal mein, Dassault is a OEM. Aap puchhiyega, sir, OEM kya hota hai? वो अगर बगल में रणदीप सुरजेवाला से नहीं पूछेंगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्या है पता, ये करेंगे आप, देखिएगा, आप पूछिएगा उनसे। सो आई हैव कम फॉर अ पर्टिकुलर इश्यू, आई विल आंसर, आई विल टेक एवरी क्वेश्चन ऑन दिस इश्यू। सो आई हैव कम ओनली ऑन द फॉल्स एलिगेशंस ऑफ राफेल, सो विच ऑन Why should we? No, just a second. Let me tell you. Yesterday there were PILs which appeared in front of the Supreme Court. Which is more supreme? The Supreme Court or these political allegations coming from a political party which wants. No, as far as truth is concerned, ultimately everything goes to the Supreme Court, and that's why I firmly believe that you all. Let me complete. I'll answer every question, madam. I'll take your question, Liz G. I'll take your question also. So why doesn't, if as claimed by Mr. Rahul Gandhi and the Congress party, if they have some substantial proof, why running to the CVC, CAG, go to the court? Remember, in Colgate case, in 2G case, we had gone to the court. The licenses were cancelled by the Supreme Court. Thereafter, there was a ruckus created in Parliament. And thereafter, everything went to a JPC. Just because a clown prince demands something, all his demands are to be met. No, sir. Things have to be followed and no compromise with the national security. Liz. No, of course, you are right. You are right in stating that the parliament is supreme. And that is why on every question pertaining to these important issues, we have not shied away from answering. We have categorically answered on pricing. On the floor of parliament, I remember answers were taken, and Mr. Ravi Shankar Prasad, I can even vouch for that. He held a press conference within the premises of the parliament to say that the deal that we had struck was 9% less than the deal that was notional during the Congress era. So just because you have a whimsical allegation string, you to say that we should go ahead in a particular direction is something which the country does not accept. Thank you, friends.
Only on this issue, sir. No, only on this issue. Thank you.